बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अल्लाह के फजल व करम से अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला हर परेशानी मुसीबत में महफूज रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में अरबी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। आइए अरबी गोश्त की रेसिपी की तरफ। आधा किलो मटन का गोश्त, आधा किलो अरबी जिसको मैंने काट कर नमक लगा कर रख दिया, हाफ प्याली घी, एक मीडियम साइज़ की प्याज, 7-8 जवे लहसुन की, एक टमाटर, एक टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक, एक टीस्पून लाल मिर्चें, एक टीस्पून नमक। नमक मिर्चें आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला। अब वो सारी चीज़ें प्रेशर में डाल देंगे। आप प्रेशर को ढक्कन दे देंगे, 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अरबी को इसी तरह से हिलाते जाएंगे ताकि इसकी लैस निकल आए। ये पानी डाल के इस तरह से हाथ से मलेंगे ताकि इसकी लैस अच्छी तरह से निकल जाए। इसको अच्छी तरह मलने के बाद हम इसको पेपर टॉवल के साथ खुश्क करेंगे। अब इसको घी में फ्राई करेंगे। देखिए अरबी फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम निकाल देंगे। इस घी को ज़ाया नहीं करना, इसी घी में हम गोश्त भुनेंगे। अब हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह हमने भून लिया है, अब इसमें अरबी शामिल करेंगे। अरबी शामिल करने के बाद 1 कप पानी डालेंगे। अब इसको ढक देंगे, नीचे आंच हल्की कर देंगे। अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद 5 मिनट पर
इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। देखिए हमारा अरबी गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कैसी लगी हमारी रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो सादिया लवली किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।